ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, गूगल आपको बता देगा प्रॉब्लम है कि नहीं है, कोई नोटिस आया कि नहीं आया उसको, कोई पता क्या होता है। जैसे अब येस बैंक के साथ प्रॉब्लम क्या थी, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, येस बैंक का ही दे रहा हूं, ये बैंक क्यों डूबा, आप गूगल पे जाओगे ना, आप मैं बताता हूं आपको, येस बैंक ने अनिल अंबानी जी को ही 500 करोड़ का शायद एक लोन डाला हुआ दिया हुआ था, 500 करोड़ का लोन दिया हुआ था, अंबानी जी का नाम बहुत अच्छा है तो अनिल अंबानी जी को मिल गया 500 करोड़ का लोन दिया हुआ, तो वो पूरा वो सिर्फ अकेला नहीं, और बहुत सारी प्रॉब्लम थी, बट काफी बड़े लोन इसके बेसिकली बिल्कुल वैनिश हो गए थे, इस वजह से येस बैंक ऑलमोस्ट डूबा। अनिल अंबानी जी कहेंगे इंडायरेक्ट बेसिस को लेकर डूबे, तो खुद तो डूबे, इसको भी लेकर डूबे, ठीक है, लेकिन फिर भी कह रहा हूं, मैं माफी चाहता हूं, मेरे हार्श वर्ड है, बट सिर्फ एनालिसिस बता रहा हूं, आप कोई भी ऑफेंड मत होइएगा, मैं माफी चाहता हूं, बट सिर्फ मैं सिर्फ रियलिटी थोड़ी बहुत जो मार्केट से रिलेटेड है वो बता रहा हूं। सो ओवरऑल ऐसा कुछ उनके साथ भी, येस बैंक के साथ भी हुआ था, मैं भी डूबा हूं, ऐसा नहीं है, मैं भी डूब गया था, तो 13.25 रुपए पर आ गया जो 400 रुपए का शेयर हुआ करता था, तो वो भाई साहब खुद तो डूबे, येस बैंक को लेकर डूबे। अब ये और आपको पता होना चाहिए, जब येस बैंक का शेयर और ये सब गिरा था, बहुत सारे बैंकों के साथ होता है, बाहर भीड़ लग जाती है, लाओ लाओ हमारा पैसा लाओ, लोग बैंक से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं, हालांकि येस बैंक अभी भी चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शनलिटी इज गुड, अभी तो बेसिकली